रोमन रेंस के टाइटल हारने के बाद कौन होगा न्यू वर्ल्ड चैंपियन? ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न डेट रिवील हो चुकी है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले हाउस शो को लेकर के कुछ मैचेस सामने आए हैं। मैंडी रोज को लेकर के क्या अपडेट आ रही है और बात करेंगे स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो लाइक करें बिना मत जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंडी रोज के बारे में। जैसा कि WWE ने मैंडी रोज को फायर कर दिया है, रिलीज कर दिया है कंपनी से, इसके बारे में कल की वीडियो में मैंने फुल डिटेल में अपडेट आप सभी को दी थी। अब मैंडी रोज को लेकर के इस तरह के रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले खुद मैंडी रोज ने WWE से खुद को रिलीज करने की डिमांड करी थी। हालांकि ये रूमर्स हैं, ऑफिशियल कोई इनके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह के रूमर्स काफी सर्कुलेट हो रहे हैं मैंडी रोज से रिलेटेड। अगर मान भी लेते हैं कि वाकई मैंडी रोज ने WWE से खुद को रिलीज करने की डिमांड करी थी और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने 18 प्लस कंटेंट के साथ ही रहना चाहती हूं, मैं WWE इसके लिए छोड़ दूंगी, तो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मैंडी रोज WWE छोड़ने के बाद किसी अदर रेसलिंग प्रमोशन में दिखाई देती हैं या वो अपने 18 प्लस कंटेंट को ही बिजनेस बना के आगे बढ़ती हैं और रेसलिंग छोड़ देती हैं। अब बात कर लेते हैं रॉ और स्मैकडाउन के शो के बारे में। जैसा कि आने वाले कुछ टाइम में हमें हॉलीडे वीक शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है, क्रिसमस नज़दीक है, हर साल WWE सुपरस्टार हॉलीडे पर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आउटिंग वगैरह करते हैं, क्रिसमस एंजॉय करते हैं और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। उसको लेकर के अपडेट ऐसी आ रही हैं कि 23 दिसंबर 2022 को होने वाला स्मैकडाउन का शो टेप होगा और इसकी टेपिंग कल होने वाले स्मैकडाउन के ठीक बाद शुरू हो जाएगी। वहीं रॉ को लेकर के भी ऐसी अपडेट है कि रॉ का 26 दिसंबर 2022 वाला एपिसोड टेप होगा, मतलब कि 23 दिसंबर 2022 का स्मैकडाउन का एपिसोड और 26 दिसंबर 2022 का रॉ का एपिसोड पहले से टेप किया जा चुकेगा और वो हमें दिखाई देगा। मतलब कि स्मैकडाउन और रॉ के ये एपिसोड लाइव हमें नहीं दिखाई देंगे। अब हर साल जब हॉलीडे वीक शुरू होता है तो हमें रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड टेप दिखाई देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड के बारे में। WWE के डायरेक्टर ने कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को लेकर एक ट्वीट करा है। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, आई वुड नॉट मिस स्मैकडाउन दिस वीक, मतलब कि मैं इस हफ्ते का स्मैकडाउन मिस नहीं करने वाला हूं। और हाँ, बाद में आप ये मत कहना कि मैंने आप लोगों को वॉर्न नहीं कराया। अब उन्होंने इस ट्वीट से एक तरह से हाइप बनाई है कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड की। अब फैंस के मन में कहीं ना कहीं सवाल आएंगे कि भाई कल ऐसा दिखने क्या वाला है जो ये कह रहे हैं कि कल का एपिसोड मिस मत करना। खैर, हम तो मिस नहीं करने वाले हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो अब बता दूं कल के एपिसोड में WWE ने क्या क्या एडवर्टाइज करा हुआ है। कल के एपिसोड के लिए हेट्रो वर्सेस फैंटास्मा वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच ट्रिपल थ्रेड मैच बुक है। वहीं आपको बता दूं गंथर वर्सेस रिकोशे के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच दिखने वाला है। डैमेज कंट्रोल वर्सेस लिव मॉर्गन टेगान नॉक्स के बीच हमें टाइटल मैच दिखने वाला है। और सबसे बड़ी बात, रोमन रेंज यानी कि ट्राइबल चीफ सर्वाइवर सीरीज के बाद पहली बार स्मैकडाउन के इस एपिसोड में रिटर्न करेंगे। और दूसरी बड़ी जो सबसे बात है वो ये कि सैमी ज़ेन यहाँ पे न्यू लुक में दिखाई दे सकते हैं, जो कि लास्ट वीक हमें दिखाई दिया था कि जे उसो उनसे कह रहे थे कि तुम अपनी बियर्ड और हेड मतलब बाल वगैरह कटवा के आओ। तो अब देखते हैं सैमी ज़ेन जे उसो की बात को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग तो ब्लड लाइन को लेकर जरूर दिखने वाला है। अब ब्रे वाइट की बात करें तो ब्रे वाइट को तो लेकर यार बोरियत स्टोरी लाइन दिखाई दे रही है, काफी स्लो आगे बढ़ रही है, कछुए की चाल से भी धीरे बढ़ रही है। देखते हैं ब्रे वाइट को लेकर के शायद कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं 26 दिसंबर 2022 को होने वाले मेडिसन स्क्वायर गार्डन के हाउस शो के बारे में। इस इवेंट से रिलेटेड कुछ मैचेस निकल के बाहर आ गए हैं। कौन सा मैच इस शो का मेन इवेंट होगा ये भी निकल करके सामने आ चुका है, वही आपके सामने रख देता हूं। पहला मैच जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है गंथर वर्सेस रिकोशे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कॉफी किंगस्टन वर्सेस सेंटोस एस्कोबार के बीच हमें लैडर मैच दिखाई देगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि कल आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें गंथर वर्सेस रिकोशे के बीच मैच दिखेगा और ये मैच हमें मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 26 दिसंबर को दिखने वाला है। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में गंथर अपना टाइटल रिटेन करके ले जाएंगे। वहीं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस इवेंट का मेन इवेंट भी निकलकर सामने आ गया है, जो कि हमें ड्रू मैकइंटायर ब्रॉन स्ट्रोमैन शेमस केविन ओवेंस वर्सेस उसोस सैमी ज़ेन सोलो सिकोवा के बीच
8 मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा। अब यहीं से क्लियर हो जाता है कि ड्रू मैकइंटायर हमें 26 दिसंबर को होने वाले मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाले इवेंट में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, या हो सकता है कि क्रिसमस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो रिटर्न कर जाए, लेकिन WWE ने उन्हें इस इवेंट के लिए एडवर्टाइज कर दिया है। वहीं इनके अलावा ब्रे वाइट, लिव मॉर्गन, कैरियन क्रॉस, स्कारलेट, हिटरो और ये सारी टीमें हमें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि साल 2022 एंड होने को है और अभी भी WWE के दो वर्ल्ड टाइटल रोमन रेंज ही होल्ड करे हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि रोमन रेंज को हराने वाला कौन है, रोमन रेंज कब हारेंगे। तो बैट ऑनलाइन की एक वेबसाइट ने बैटिंग ओड्स रिलीज करे हैं कि साल 2023 एंड होने के टाइम पे WWE में कौन चैंपियन होगा। हालांकि यहां पे ये क्लियर नहीं है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होगा, WWE चैंपियन होगा या यूनिवर्सल चैंपियन होगा। अब आपको बता दूं, इस लिस्ट में फेवरेट बताए जा रहे हैं रोमन रेंज, वो नंबर वन पर है, मतलब कि माना जा रहा है कि साल 2023 जब एंड होगा तब भी रोमन रेंज हमें चैंपियन के तौर पर दिखाई देंगे। इसका मतलब अगर माने तो रोमन रेंज साल 2023 में भी अनस्टॉपेबल रहने वाले हैं। हालांकि यहां पे ये क्लियर नहीं है कि वो WWE चैंपियन होंगे, यूनिवर्सल चैंपियन होंगे या अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन होंगे। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में दूसरा नाम जो है वो कॉडी रूट्स का निकल कर आ रहा है, मतलब कि रोमन रेंज अगर टाइटल हारते हैं तो उसके बाद जो चैंपियन होगा वो कॉडी रूट्स बताए जा रहे हैं, और उसके ठीक नीचे द रॉक सेम बैटिंग ओड्स के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बैटिंग ऑड्स पॉइंट के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रॉक को लेकर के तो चीजें ऐसी हैं कि रॉक मुझे लगता है अगर दिखाई देंगे तो वो रेसलमेनिया 39 में दिखाई देंगे, उसके बाद वो फिर दिखाई नहीं देंगे। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि द रॉक साल 2023 एंड होने के टाइम पे चैंपियन के तौर पर दिखाई देंगे। वहीं गौर करने वाली बात ये है वो ये कि फोर्थ नंबर पर सैमी ज़ेन दिखाई दे रहे हैं, जो कि साल 2023 एंड होने के टाइम पे चैंपियन बनते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं, जो कि ब्लड लाइन के ही मेंबर हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि रोमन रेंज को इन सुपरस्टार में से वाकई कोई हरा पाता है, हराता है तो वो क्या अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर हराएगा, या वो पर्टिकुलर एक चैंपियनशिप रोमन रेंज को हराता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हो सकता है कि रोमन रेंज हमें साल 2023 एंड होने पे एज अ यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर ही दिखाई दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि WWE रोमन रेंज को एक साथ दोनों टाइटल हरा देगी। वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, और सर्वाइवर सीरीज के बाद उनका ये रिटर्न हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है। अब रोमन रेंज ने आने वाले स्मैकडाउन को लेकर के एक ट्वीट करा है, रिएक्ट करा है, उन्होंने लिखा है, शिकागो गेट रेडी टू एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ एंड द ग्रेटनेस ऑफ द ब्लड लाइन। आगे वो लिखते हैं, द अनडिनाइबल बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट इवन क्लोज। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ब्लड लाइन आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या करने वाली है, और क्या रोमन रेंज की रॉयल रंबल में किसके साथ फ्यूड दिखेगी, क्या WWE इसकी हिंट हमें देगी या नहीं देगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड ये था अभी की वीडियो में। अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।